खंडहर में तब्दील हो चुके गाजा में इजरायली सेना की बमबारी और रॉकेट हमले अभी तक थमे नहीं है, लेकिन अब ये खंडहर हमास के लड़ाकों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनते जा रहे हैं, जिनमें छिपकर अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स के लड़ाके लगातार इजरायली सेना के टैंकों पर रॉकेट लॉन्चर से गोले दाग रहे हैं। और इसी कड़ी में हमास ने एक और नया वीडियो जारी किया है, जिसमें तल अल हवा और शेख राडवान के आसपास के इलाकों में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके IDF से लड़ते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कासिम ब्रिगेड का लड़ाका एक खंडर पड़ी इमारत में छिपकर दूर खड़े IDF के टैंक पर रॉकेट से हमला कर देता है। इसी वीडियो में आगे दिखाई दिया कि दूर सड़क पर खड़े एक इजरायली सैनिक पर अल कासिम ब्रिगेड का लड़ाका ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। वीडियो के अंत में 3 इजरायली सैनिक मिट्टी के ढेर के पास खड़े होते हैं, तभी हमास का एक लड़ाका दूर से एक स्नाइपर राइफल से उसको उड़ा देता है। हमास ने इसके अलावा एक दूसरा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें भयंकर गोलीबारी होती हुई नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके पेड़ों के पीछे छिपकर इजरायली टैंकों पर RPG से रॉकेट दाग रहे हैं। वीडियो में आगे दिखाई देता है कि एक टैंक एक घर के आगे से गुजर रहा होता है कि तभी हमास का एक और लड़ाका उस टैंक पर रॉकेट दाग देता है। इसी वीडियो में कुछ टीन की झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं, जिन्हें इजरायली बुलडोजर रौंदता हुआ चला आ रहा होता है, लेकिन तभी सामने से हमास का लड़ाका बुलडोजर के ड्राइवर पर एक फायर दाग देता है। इसके अलावा वीडियो के अंत में हमास के कुछ लड़ाके एक सुरंग में बारूद बिछाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाद में इस बारूद का क्या हुआ ये पता नहीं चल सका। लेकिन इसी वीडियो में आगे देखने पर हमास का लड़ाका एक बड़े से रॉकेट को तैयार कर रहा है, जिसे बाद में लॉन्चर में फिट कर दिया जाता है। संभवतः इस रॉकेट को इजरायली सेना पर दागने के लिए लॉन्चर में फिट किया गया है।